केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले, एक जे ऊसाच्या एफआरपीचा प्राईस आहे आणि दुसरा जे फर्टिलायझरचा प्राईस आहे, त्याच्याबद्दल जे निर्णय घेतले केंद्र आणि त्याचा कसा फायदा मिळणार शेतकऱ्यांना? मी केंद्र सरकारचे आणि विशेषतः प्रधानमंत्री मोदीजींचे आभार मानतो की मोदीजींनी ऊसाची एफआरपी वाढवली, त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा एक मोठा फायदा होणार आहे. त्यासोबत अजून एक महत्त्वाचा निर्णय मोदीजींनी घेतला, आज उक्रेन आणि रशियाच्या युद्धामुळे जगभरामध्ये युरियाचे जे दर आहेत ते 3 पटीने 4 पटीने 5 पटीने वाढले आहेत, पण मोदीजींनी पुढच्या 3 वर्षाकरता 3,17,000 कोटी रुपये सबसिडी जाहीर केली आहे. त्यामुळे जगात जरी भाव वाढले तरी भारतातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना वाढीव भावामध्ये युरिया घ्यावी लागणार नाही, त्यांना त्याच भावामध्ये मिळेल. त्यामुळे हा प्रचंड मोठा निर्णय महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या शेतकऱ्यांकरता घेतला, त्याबद्दल मी माननीय पंतप्रधानांचे आभार मानतो. किसानों को इसका फायदा मिलेगा, ये साफ है, कैसे देखते हैं? मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ. गन्ने की एफआरपी बढ़ाकर देश के और महाराष्ट्र के किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात इस निर्णय के कारण मिलने वाली है. और विशेष रूप से चूंकि महाराष्ट्र गन्ना किसानों के लिए एक या चीनी मिलों के लिए एक हब है, तो इसलिए यहाँ के किसान उससे बहुत बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे. और उसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है. हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स का और स्पेशली यूरिया के भाव ये 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अगले 3 साल तक 3,17,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी यूरिया पर घोषित की है, जिसके कारण दुनिया में तो यूरिया के भाव बढ़ेंगे लेकिन भारत के किसानों को वो बढ़े हुए दाम नहीं देने पड़ेंगे, उनको सब्सिडी मिलेगी. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय मोदी जी ने लिया है.